तो आज की सेशन में हम पावर बीआई के बारे में जिक्र करेंगे। पावर बीआई, अभी आपके सामने मेरा पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन खुला हुआ है, जिसमें मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन कर रखा है। ये अकाउंट लॉगिन करना जरूरी है, क्योंकि अगर अकाउंट लॉगिन नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये पावर बीआई आपका डेस्कटॉप और वेब वर्जन दोनों पे चलता है, सो ये आपको जरूरी है पहली चीज। उसके बाद आपके जब पावर बीआई कनेक्ट करते हैं तो पावर बीआई पे क्या करेंगे जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको डेटा कनेक्ट करना होता है, क्योंकि पावर बीआई का अपना कोई डेटा नहीं होता है, सो डेटा कनेक्ट करना होता है। डेटा कनेक्ट करने के बाद जो फील्ड लिस्ट है, जो कि अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है, इस लिस्ट में आपको उस डेटा का पूरा आ जाए। जैसे कि पिवट टेबल में आ जाते थे फील्ड, ऐसे यहीं पर आपको सारे के सारे फील्ड आ जाएंगे। तो डेटा को कनेक्ट कैसे करेंगे? डेटा कनेक्ट करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ वर्कबुक पे, या फिर यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो वर्कबुक या यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना लोकेशन आएगा जहाँ पे अपना डेटा चूज करना है। अब जो डेटा आपके पास है उस डेटा को आप आसानी से चूज कर लें, राइट सर जी। जैसे मैं पिवट टेबल का डेटा को चूज किया, ओपन करें। ओपन करते ही ये आपके उस टेबल में जितने भी सीट्स हैं उन सीट्स का लिस्ट कनेक्ट करके आपको देगा, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो पेशेंस रखिएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर तीन सीट्स है, तो हम डेटा शीट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने पूरा डेटा आ गया। अब डेटा को आप चेक कर लीजिए, डेटा बिल्कुल बराबर है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि डेटा में किसी तरह की प्रॉब्लम है, उसमें कुछ चेंजिंग वेंजिंग करना चाह सकते हैं, तो आपको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना होगा। देखिए आप देख पा रहे हैं कि ना लोड एक्टिव है और ना ही ट्रांसफॉर्म एक्टिव है। ये एक्टिव कब होगा? जब आप डेटा के सामने जो चेक बॉक्स है इस पे क्लिक करें। आप एक से ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि चेक बॉक्स इट मीन्स मल्टीपल सिलेक्शन, ये जाहिर सी बात है। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ लोड पे क्लिक करते हैं। लोड पे क्लिक करते हैं, डेटा हमारा यहाँ पे लोड हो गया और डेटा के जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ पे आपको अपडेट हो जाएंगे। तो पावर बीआई जस्ट पिवट टेबल की तरह है कि आपको ड्रॉप एंड ड्रॉप डाउन करने हैं सिंपल से, और इसमें कोई खास चीज नहीं है। मैंने इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके सामने डेटा। अब यहाँ आपके पास तीन व्यू होते हैं। पहला जो होता है रिपोर्ट व्यू, जो कैनवस एरिया आप देख पा रहे हैं, इस एरिया के अंदर आप अपना रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और ऐसे कई सारे पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं आप, और पेज पे डबल क्लिक करके इसका नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया समरी, या जो लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। अब जब इस पे हमारे पास यहाँ डेटा में आते हैं तो जहाँ पे आपको जो डेटा कनेक्ट हुआ है वो डेटा आपके सामने आएंगे। तो क्या डेटा के अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं? अब मैं चाहूँगा कि मैं इसमें कुछ चेंज कर दूँ, चाहे ये चेंज कर दूँ, ये नहीं कर सकते। क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ? जी हाँ, कॉलम वगैरह को डिलीट कर सकते हैं, राइट सर। पर एक पर्टिकुलर डेटा चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहते हैं कोई कैलकुलेट करके कोई नई फील्ड ऐड करना तो न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन की जा सकती है। जैसे आपको लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन इसमें नहीं है तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन सुजीत भाई, ये जो डाटा अभी आपके पास आया है, हाँ, ये एक्सेल में बना है या एसक्यूएल में बना हुआ है? एक्सेल का डेटा है, एक्सेल से लिखा है ना, मैंने एक्सेल फाइल पे लिया अभी। SQL से भी डेटा आ जाएगा, Oracle से भी आ जाएगा, और बहुत सारे चीजों से डेटा इस पे आ सकता है, लेकिन फिलहाल इजी एक्सेल है इसलिए आपको फिलहाल एक्सेल से आपको समझाया, राइट सर? ठीक है। और तीसरा जो आपका आता है वो आता है रिपोर्ट भी। ये मॉडल, इसमें मॉडल होता है, जैसे कई सारे टेबल्स अब यूज करेंगे तो इसको आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, तो उस समय हमें इसकी जरूरत पड़ती है रिलेशनशिप के लिए, राइट सर? जी। तो वापस रिपोर्ट व्यू पे आते हैं। तो रिपोर्ट व्यू पे जब आप आते हैं तो ये आपके फील्ड्स होते हैं, ये आपके विजुलाइजेशन होता है, ये आपका फिल्टर होता है। अब तीनों का काम है, काम क्या है समझ जाइए। मुझे मान लीजिए डेटा चाहिए, तो मैंने टेबल ही ले लिया, और इस टेबल में मान लीजिए मुझे चाहिए, जैसे पिवट टेबल में हम लोग लेते हैं कि मंथ वाइज टोटल हमारी रेवेन्यू चाहिए, क्या अमाउंट, तो आप मंथ वाइज आप देख पा रहे हैं कि आपकी अमाउंट यहाँ पे आ गया।
अब डेटा में मेरे पास बहुत सारे डेटा है, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ कैश का रिपोर्ट बनाना, ये जो रिपोर्ट बना हुआ है ये ओवरऑल है, मैं चाहता हूँ सिर्फ कैश का बने। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना जो मोड है पेमेंट मोड है पे मोड, उसको उठाएंगे और यहाँ ऐड फील्ड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कैश पे क्लिक कर देंगे, अब रिपोर्ट कैश के अकॉर्डिंग आपका हो गया। भाई ये चलिए सारा कुछ इसका दोबारा करके विश्वास दे रहा मुझे थोड़ा सा। दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप इनको आपके पास तीन व्यू है, पहला फील्ड व्यू, फील्ड व्यू जहाँ पे आपके डेटा के जितने भी व्यू फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स व्यू होंगे, राइट। दूसरा आता है आपका विजुलाइजेशन व्यू, आप यहाँ से पिक करेंगे कि आपको रिपोर्ट में क्या दिखाना है। तीसरा आता है फिल्टर व्यू, अगर आप उसमें कुछ फिल्टर लगाना चाहते हैं कि डेटा ओवरऑल ना शो के किसी पर्टिकुलर चीज का शो हो, वो फिल्टर का इस्तेमाल होता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपके सामने टेबल दिख रहा है, हमने टेबल पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमने अपना मंथ वाले फील्ड को उठाया, पिक किया, पिक करके इस पे आके ड्रॉप कर दिया, जैसे पिवट टेबल में करते हैं ड्रॉप। जी, लेकिन लेकिन मंथ और मंथ डेट में में इधर क्या है, फील्ड ये पे फर्क ये क्या? मंथ आया यार, मंथ वाइज था ना, हमारा मंथ है कॉलम में, डेटा में देखिए मंथ है। जी लेकिन डेट ठीक हो गया समझ, अगर आप डेट वाइज चाहते हैं तो फिर आपको डेट रखना पड़ेगा, यहाँ से डेट उठाइए, डेट को रखिए, तो डेट में आपका जो है इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर आप चाहते हैं मुझे सिर्फ मंथ चाहिए, तो यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसे मुझे सिर्फ मंथ चाहिए। ठीक है, डेट वाला डेट को जी। मत डिलीट कीजिएगा, डेट को डिलीट कीजिए, मंथ वाइज हो गया था, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। हमने डाला तो डेट है बट ग्रुप हो गया, पिवट टेबल में ऐसा ग्रुप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने अपना अमाउंट लेके इसके साथ रख दिया, तो अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अपनी कैलकुलेशन को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या कैलकुलेशन चाहिए, ओके। अब ये जो मिला ओवरऑल ऑल रिपोर्ट मिला, आप चाहते हैं कि मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ सिर्फ कैश की, किसकी बना रहा हूँ, सिर्फ कैश की बना रहा हूँ, तो उस केस में हमें फिल्टर का इस्तेमाल करना। तो हमने यहाँ पे मोड को लिया, मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो है हम यहाँ पे अपना पे मोड को उठा के यहाँ फिल्टर में डाल देंगे और यहाँ से हम कैश सेलेक्ट करेंगे, देखिए 36 × 17 हो गया ना, और फिर इसको हम जी हाइड कर जी सकते हैं आराम से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिपोर्ट पावर बीआई सॉफ्टवेयर पे ही ये चेंज हो सकता है, एक चीज जान लीजिए, पावर बीआई सॉफ्टवेयर पे ही चेंज हो सकता है। देखिए अगर किसी को आपने वेब वर्जन या रिपोर्ट वर्जन बना के दे दिया तो वहां पे उसको प्रॉब्लम है, राइट सर। जी तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऐसे अगर प्रॉब्लम हो तो हम लोग स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं, देख रहे हैं स्लाइसर, सॉरी जी अलग एक अलग, इस पर क्लिक अलग क्लिक कीजिए और स्लाइसर भी इस्तेमाल करें। अब स्लाइसर में अपना पे मोड डाल दीजिए, देखिए ये तो कुछ इस तरह से दिख के आ रहा है, तो आप यहाँ से इसका ड्रॉप डाउन सिस्टम भी चूज कर सकते हो। अब हो गया सर, अब यूजर जो सेलेक्ट करेगा उसी के हिसाब से रिपोर्ट रहेगा। स्लाइसर सिंपल है ये, अभी मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब चीज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैं बस इसकी फंक्शनली डिटेल आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे फंक्शन। दिखाएंगे यहाँ स्लाइसर दिख रहा है ना आपको, ये इस पे जी। क्लिक करना है, उसके बाद अपना फील्ड उठाकर ड्रॉप कर दीजिए, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जी विजुलाइजेशन है, अपने हिसाब से जो विजुलाइजेशन चूज करना है वो चूज कर सकते हो। तो विजुलाइजेशन सबसे बड़ी चीज होती है हमारा डेटा कनेक्ट भी, क्योंकि जैसा विजुलाइजेशन चाहिए उसके हिसाब से मुझे डेटा कनेक्ट कर डेटा बनाना होता है। अगर डेटा बना बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर डेटा बना बनाया नहीं, डेटा में प्रॉब्लम है, उस केस में दिक्कत होती है, ठीक है।
जी देखिए, जी देखिए, हर 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 एक हर एक विजुलाइजेशन का लाइक लाइक अपना 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 फिल्टर है ना। फिल्टर है ना। नहीं, जब स्लाइसर चलेगा तो ओवरऑल पे चलेगा। अगर मैंने यहाँ पे अगर कैश सेलेक्ट किया तो दोनों को चेंज करेगा, समझ गए? अपना फिल्टर जो है, अपना फिल्टर जो है वो कहीं भी नहीं है, जो भी चलेगा सब चलेगा। हाँ, यहाँ जो क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे फिल्टर लिस्ट, ये जो ऑनलाइन भैया बता रहा है कि ऑनलाइन फिल्टर है, अच्छा यहाँ से ये दिखा रहा है कि ऑनलाइन फिल्टर है। अब मैं इसको हटा दूं, साइट से डिलीट कर दूं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे फिल्टर का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है सर? ये फिल्टर नहीं लगा है। फिर इसमें आता है फोकस मोड, ये छोटा दिख रहा है, इस फोकस मोड पे आप सेलेक्ट करें, क्लिक करें, तो देखिए आपका फोकस मोड में थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, सिर्फ वही दिखेगा, बाकी रिपोर्ट नहीं दिखेगा। तो फोकस मोड क्या होता है कि आपको सिर्फ उसी रिपोर्ट को बड़े साइज में देखना है, वही पर्टिकुलर विजुलाइजेशन, ठीक है? जी एक फीचर ये होता है। दूसरा फीचर ये होता है कि अगर आपने किसी एक पे क्लिक किया, जैसे मान लीजिए मैं अक्टूबर पे क्लिक किया, तो जैसे अक्टूबर पे क्लिक करूंगा तो पूरा रिपोर्ट अक्टूबर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें जितने भी विजुलाइजेशन डले होंगे और जो इस डेटा टेबल से कनेक्टेड होंगे वो वहां पे आपको उसी का फील्ड आ जाएगा, कोई और फील्ड नहीं आएगा, राइट सर? ठीक हो गया जी। तो जैसे कि मैंने यहाँ जून पे क्लिक, यहाँ इस पे क्लिक कर दिया मई पे, देखिए बाकी सब डिस हाईलाइट हो गया, मई आपका हाईलाइटेड हो गया। तो फिल्ट्रेशन आप यहाँ भी लगा सकते हैं एक के अकॉर्डिंग, बार बार स्लाइस में जाके ही फिल्टर लगा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी फिल्टर लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको अलग अलग करने हैं फिल्टर, तो आपको फिर अलग अलग टेबल कनेक्ट करने पड़ेंगे। एक टेबल में एक स्लाइसर एक बार चलता है, स्लाइसर को किसी एक के साथ नहीं लगाया जा सकता, स्लाइसर ओवरऑल कनेक्टेड होता है, राइट सर? जी तो अभी जी आप जी एक चीज समझा कि सबसे पहला होता है डेटा, आपको डेटा कनेक्ट करना है। डेटा कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ जब जाएंगे गेट डेटा में, तो ये सारे फीचर से जहां से आप डेटा कनेक्ट करके ला सकते हैं, ठीक है? जी ये सारे दिख रहा है आपको, ये सारे इतने सारे आप जो टाइप अभी है कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपके पास, जहां से आप डेटा कनेक्ट करके ला सकते हैं। डेटा कनेक्ट करके जब आएगा तो डेटा कहाँ आएगा, यहाँ पे। ओके, डेटा हमारा यहाँ पे आएगा। अब इसमें ध्यान रखिए कि ये आपके फील्ड लिस्ट है जो यहाँ भी दिख रहे हैं और आपको यहाँ भी दिखेंगे फील्ड लिस्ट। जो जो फील्ड लिस्ट आप यूज कर रखे उस पर इस तरह का टिक का निशान लगेगा, जो यूज नहीं है उस पर निशान नहीं लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखेंगे किसी के साथ सम ऑफ का साइन है, दिख रहा है सम ऑफ का साइन? जी ये सम ऑफ का साइन जो है इसका, इससे मतलब है कि इससे पता चलता है कि ये आपका नंबर है, मतलब ये जो कॉलन है वो नंबर मतलब कैरी कर रखा है, नंबर कंटेन कर रखा है। जिसमें कुछ नहीं है इसका मतलब है कि वो जो है आपका क्या है, टेक्स्ट है, एबीसीडी। और जिसपे कैलेंडर लगा है वो क्या कहलाता है, डेट कहलाता है। डेट उसके बाद इसमें एक और जिसमें ग्लोब बन जाएगा वो कहलाएगा लोकेशन। जैसे कि मान लीजिए ना कि यहाँ पे नहीं सिटी नहीं है ना, यहाँ सिटी रहता था पता था आपको, ऐसे सिटी के कॉलन है तो आपने उसको ज्योग्राफिकल डेटा टाइप सेलेक्ट कर लिया, तो आगे बताऊंगा मैं आपको, तो वहाँ पे ग्लोब का निशान है। उसे आपने खुद न्यू कॉलम पे क्लिक करके फॉर्मूला और कैलकुलेटेड फील्ड इस्तेमाल करके आपने कुछ कैलकुलेट किया है, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे कैलकुलेटर का सैम्बल आ जाएगा। ये सैम्बल बताता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, राइट? जी अब इसमें किसी भी कॉलम को, हाँ इसमें यहां से हाइड कर दी रिपोर्ट में आकर, देखिए रिपोर्ट में वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखिए जी प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पे देखिए डेटा, जब डेटा वाले टाइम में अगर जा रहे हैं डेटा वाले में जा रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पे फील्ड्स है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे रिपोर्ट में कोई फील्ड विजुअल ना हो, समझ गए? तो आप यहाँ से हिडन कर जी सकते हैं, चाहते हैं पे मोड ना दिखे,
पे मोड पे रिपोर्ट नहीं बनानी होती है। तो यहाँ डेटा में आपको पे मोड दिख रहा है, बट ये आपका जो है एक येलो कलर दिखाया जा रहा है, इसका सिंबल होता है कि हिडन हो गया, और जब रिपोर्ट व्यू में आएंगे तो वहाँ नहीं दिखेगा, ना यहाँ दिखेगा ना ही इस पे आप कुछ इसका यूज कर सकते हो। तो आपको अगर रोकना है तो इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है सर। हेलो जी, हाँ बोलिए बोलिए, समझ में आया आपको कि नहीं सर? जी तो पावर बीआई का ही फंक्शन है। पावर बीआई हम कह सकते हैं कि पिवट टेबल को एडवांस करके बनाया गया। इसका अगर बेसिक डीएनए की बात करें तो इसका बेसिक डीएनए पिवट टेबल ही है। इसका बेसिक डीएनए हमारा पिवट टेबल ही है। गया जी। विदाउट इसमें फिलहाल नहीं। इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अवेयरनेस करनी है। अवेयरनेस मतलब कि इसको छेड़छाड़ करके आपको देखना है कि ये कैसे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो आप एक आपके पास है डेटा टाइप्स है? नहीं भाई, मुझे अगर भेज दें कुछ। ठीक है, मैं आपको कुछ सैंपल डेटा मेल कर देता हूँ। आप जो है कुछ सैंपल डेटा लीजिए और पिवट टेबल पे कुछ छेड़छाड़ करके देखिए। ठीक है, जी और कल शाम को हम सिक्स कनेक्ट करेंगे।